बक्सर वाले महाराज जी की एक बात हम आपको बता देते हैं। एक बार उनकी वाणी से हमने ध्यान नहीं कोसी में सुना था कि कर हमें सुना था, किसी को वो उपदेश कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक बात बताई थी, वो हम निवेदन करना चाहते। उन्होंने किसी को जप की विधि बता रहे थे महाराज जी मामा जी, तो उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम गुरुदेव की एक माला करनी चाहिए, गुम गुरवे नमः, ये बताते थे कि नहीं, इसकी एक माला करनी चाहिए। जप आरंभ करने के पहले गुम गुरवे नमः, गुम गुरवे नमः की एक माला करनी चाहिए। मामा जी का भाव क्या करना चाहिए, बोले उस समय जप करते समय गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव प्रसन्न मुख मुद्रा में विराजमान हैं और वे अपने कृपा दृष्टि करुणा भरी दृष्टि से हमको देख रहे हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। आपका भाव है, ये भाव भी कर सकते हो कि गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं, गुरुजी ऊंचे सिंहासन पर हैं और दोनों चरण हमारे मत्थे पर रखे हुए हैं और हम बैठ करके उनके चरण उनके चरण स्पर्श से अभिषिक्त तो हो रहे हैं, उनसे कृतार्थ हो रहे हैं, ये भाव करो। अब फिर एक माला हनुमान जी की फेरना चाहिए, एक माला गुरु जी की हनुमान जी की, क्यों, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान जी ही तो भजन में आगे बढ़ाएंगे, राम जी के निकट तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी का एक माला जप, फिर हनुमान जी से आज्ञा लेकर तब मंत्राज का जप। ये बात हमें इतनी अच्छी लगी कि हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम प्रतिदिन एक माला, और बहुत अच्छा लगता है, एक माला में गुरु जी का ध्यान उतनी देर हो जाता है और गुरु जी के ध्यान के साथ फिर एक माला में हनुमान जी का ध्यान हो जाता है, बड़ा सुख मिलता है। अब फिर आप ये नहीं कह सकते ईमानदारी से गुरु जी का एक बार ध्यान कर लोगे, हनुमान जी का ध्यान कर लोगे, फिर ये समस्या आपकी मिट जाएगी कि क्या करें महाराज, भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन छोड़ के दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। आप करके देखो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।